तलवार से नहीं बल्कि उसे पकड़ने वाले मजबूत हाथों से होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कब्जा का ट्रेलर फाइनली लॉन्च हो चुका है, और भाई ट्रेलर देखकर मैं एक बात बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 17 मार्च को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आने वाली है, क्योंकि फिल्म से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आई है कि ये फिल्म KGF का रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई साहब। तो इस पर खुलकर बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो जैसा कि ट्रेलर देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि फिल्म की स्टोरी टेलिंग और आर चंद्रू की कहानी कहने का अंदाज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, और ट्रेलर में देखकर यह साफ देखा जा सकता है कि यह इंडिपेंडेंस के समय की स्टोरी है, जिसमें हमें उपेंद्र सर ब्रिटिश आर्मी की ड्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात इस ट्रेलर से जुड़ी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो ये है कि ये फिल्म KGF के हाइप से भी बढ़कर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जब KGF चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसको लेकर इतना बवंडर सोशल मीडिया पे क्रिएट नहीं हुआ था। और ऐसे हाथों से रचा हुआ इतिहास ही है कब्जा। और कब्जा ट्रेलर के रिलीज होने से पहले जिस तरीके का बवंडर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था वो भाई साहब अलग ही लेवल का था। और जब लोगों को यह पता चला कि फिल्म में डॉक्टर शिव राजकुमार भी दिखाई देने वाले हैं, तो भाई कन्नड़ा इंडस्ट्री के जो फैंस हैं उनका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे था। उसके अलावा किच्चा सुदीप का जो लुक था ना भाई ट्रेलर में, वो किसी को भी डरा सकता है, क्योंकि सिर्फ अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही उन्होंने अपनी इस इमेज को बहुत अच्छे से दिखाया है। बाकी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बैकग्राउंड KGF फेम रवि बासुर ने दिया है, जो कि अपने हाई ऑक्टेन म्यूजिक के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। बाकी मैं तो यही कह सकता हूं कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद कम से कम मैंने तो ये 20 से 25 बार देखा है, और हर वक्त भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि आर चंद्रू ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग पर भी बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया है, जो कि ऑडियंस को इंगेज करता है। बाकी भाई मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।